हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो पे, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम इसमें बताएंगे आपको सी के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि हर बार, लगभग हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए, अगर आप सी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो हमारा बिल्कुल ही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिए स्टार्टिंग से लेके हमारे वीडियो पे लास्ट तक, और हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपने शायद कभी नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपको टैली प्राइम के बारे में सीखना है या एमएस एक्सेल के बारे में जानकारी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करके बेसिक से लेकर एडवांस एक्सेल की जानकारी चाहिए, तो हमने उसके भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप उन्हें जरूर देखिए ताकि आपको भी कंप्यूटर चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे सी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो हमारी पीडीएफ है क्वेश्चंस आंसर की, ये हम आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करना, आप सारे वीडियो, सारे हमारे क्वेश्चन जरूर पढ़ना, ताकि आपको बहुत सारे एग्जाम पे आपको मिल भी जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। क्या है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ये तो शायद लगभग सभी को पता होगा कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्या ऑप्शन ए वॉन न्यूमन है, बी जे एस किल्बी, सी चार्ल्स बैबेज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बैबेज। क्वेश्चन नंबर टू है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या है? क्या ऑप्शन ए क्या है, अटारिस, बी इनियक, सी टैंडी, डी नोवेला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है बी। कौन सा है सबसे पहला कंप्यूटर? इनियक। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कब आई है, 1960 पे। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई है, वो आई 1960 में, मतलब 1960 में। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? देखिए, हम कंप्यूटर को एक नाम होता है कंप्यूटर, लेकिन दूसरा इसका हिंदी नाम एक होता है, क्या होता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब लगाने वाला, डी परिगणक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो होता है संगणक। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसे ध्यान से पढ़िए, ताकि ये पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये हमारे सी के एग्जाम में, कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म, सीपीयू क्या होता है? एक सीपीयू का पूर्ण रूप होता है क्या? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ये पूछा गया कि ये जो ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अब आपको सर्च इंजन के बारे में शायद पता होगा, सर्च इंजन होता क्या है? तो ऑप्शन ए दिया गया गूगल, बी याहू, सी क्रोम एंड डी नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये करेक्ट आंसर इसका, ये जो हमारा ऑप्शन सी है क्रोम, ये क्या है, एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, ना कि सर्च इंजन। तो इसमें क्या पूछा गया, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ये हमारा क्रोम जो है, ये एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, ना कि सर्च इंजन। लेकिन ये जो हमारा ऑप्शन है गूगल और याहू, ये जो दोनों होते हैं, ये होते हैं हमारे सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनमें इनपुट इकाई नहीं है। इस पे पूछा गया कि निम्न में से कौन इनपुट इकाई नहीं है, मतलब इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए माउस, बी स्कैनर, सी प्रिंटर,
प्रिंटर, डी लाइट पेन, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे प्रिंटर जो होता है ये एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट कैसे? क्योंकि ये क्या करता है, हमारे परिणाम को प्रिंट करता है, दिखाता है हमें रिजल्ट के रूप में, तो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। एंड डी जो लाइट पेन होता है ये भी एक हमारी इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 KB डाटा किसके बराबर होता है? अब पूछा क्या जा रहा है, 1 KB, केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट, मतलब कि 1 KB जो डाटा होता है किसके बराबर होता है, कब बनता है 1 KB डाटा? तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, एंड डी नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगर आपको इसके यूनिट्स के बारे में, मेमोरी की जो इकाइयां होती, यूनिट्स होती है, इनके बारे में नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, वो एक अलग डिस्कशन का हमारा टॉपिक है, हम उस पर जरूर आपको वीडियोज प्रोवाइड कर देंगे, जिसके माध्यम से आपको कंप्यूटर की मेमोरी और कंप्यूटर की मेमोरी के साथ साथ उसकी यूनिट्स जो इकाइयां होती उनके बारे में हम अलग से समझा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 11 क्या है कि 1 MB डाटा किसके बराबर होता है? 1 MB मतलब 1 MB डाटा कब बनता है? तो देखिए जब 1024 KB डाटा मिलता है, केबी किलोबाइट, तो हमारा 1 MB डाटा बनता है। देखिए जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती वो होती बिट, उसके बाद होती हमारी बाइट, नेक्स्ट उसके बाद हमारा होता है किलोबाइट एंड मेगाबाइट, गीगाबाइट, इसी तरह आगे की ओर ये बढ़ता चला जाता है। तो 1 MB में कितना डाटा होता है, तो 1024 किलोबाइट KB डाटा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1024 KB। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 1 GB किसके बराबर होता है, मतलब कि 1 GB डाटा किसके बराबर होता है? तो हमने अभी आपको बताया कि 1 MB मेगाबाइट में कितने किलोबाइट डाटा होता है, 1024, तो 1024 इस पे क्या होगा, अब जीबी किसके पहले, जीबी किसके बाद आता है, तो जीबी आता पहले एमबी आता फिर उसके बाद जीबी आता, तो 1 GB कब बनेगा, जब 1024 MB डाटा हमारा मिलता है। कोई भी आपसे पूछे कि 1 GB में कितना डाटा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1024 MB मतलब मेगा बाइट डाटा होता है, तब हमारा 1 GB बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा, जो हमारी थर्ड जनरेशन थी, शायद आपने जनरेशन कंप्यूटर की पढ़ी होंगी, वहाँ पे कई सारी जनरेशन है, 5 जनरेशन है समथिंग, क्या बताया गया कि उसके थर्ड जनरेशन पे जो यूज़ की जाती थी आईसी, यूज़ की जाती थी स्विचिंग युक्त के रूप में, तो वही पूछा जा रहा है, ये जो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी होती थी ये किससे बनी होती थी? ऑप्शन ए दिया गया क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से, डी सिलिकॉन से। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये क्या होती है, एक सिलिकॉन की बनी सेमीकंडक्टर चिप होती है, जिसे हम आईसी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिलिकॉन से ये बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, HTTP का सही विस्तृत रूप है, HTTP का मतलब कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या ऑप्शन डी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है ये करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन डी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे आपको एक साथ देखने को और मिल सकता है HTTPS, HTTPS जब कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाए तो वहां पे समझ जाना कि ये क्या है, HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्वेयर, तो वहां पे S का जो फुल फॉर्म होता है वो हो जाता है सिक्वेयर। तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों हो सकते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाए या एक कोई मिल जाए, तो हो सकता है ये शायद मिल जाए। तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है? तो पूछा क्या जा रहा है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है? तो ऑप्शन ए क्या होता है, बेसिक, बी जावा, सी लोगो, डी पायलट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है लोगो।
क्या है? लोगो। तो आपको यह ध्यान रखना है, ये किसी कंप्यूटर बच्चों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा होती है वो हमारी होती है लोगो। क्वेश्चन नंबर 16, मल्टी प्रोसेसिंग होती है किसके माध्यम से? मल्टी प्रोसेसिंग होती है, देखिए मल्टी प्रोसेसिंग करने के लिए क्या होता है कि हमें एक से अधिक प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा हम मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शन ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम, डी कोर मेमोरीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीडी रोम जो होती है ये ऑप्टिकल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 18, सीपीयू में कंट्रोल कॉमा मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो देखिए सीपीयू के कितने भाग होते हैं? सीपीयू के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होता हमारा सीयू, एक होता एमयू एंड एक होता एएलयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं दो दिए गए, मतलब सीयू दिया गया कंट्रोल यूनिट एंड एमयू दिया गया मेमोरी यूनिट, तो तीसरा यूनिट पूछा गया, तो तीसरा कौन सा होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया गया अर्थमेटिक लॉजिक, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया अर्थमेटिक लॉजिक यहाँ पे, लेकिन होता भी है यूनिट भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि एलयू का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि एक गणितीय क्रिया के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको सीपीयू के बारे में नहीं पता कि सीपीयू पे तीनों जो तीन भाग होते हैं इनका काम क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियोज आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सीपीयू के एलयू में होते हैं, क्या होते हैं सीपीयू के एलयू में? ऑप्शन ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सीपीयू के एलयू में होता है तो वो क्या होता है? सीपीयू के एलयू में जो होता है वो होता है ऑप्शन बी, जो है क्या है? रजिस्टर होते हैं, इसमें क्या होते हैं? रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 20, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? अब बताया क्या जा रहा है कि कंप्यूटर में जो गणनाएं की जाती है या तुलनाएं की जाती है तो किसके माध्यम से की जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए डिस्क यूनिट, बी मॉडेम, सी एलयू, डी कंट्रोल यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये किस लिए होता है? कि गणितीय क्रिया जो कंप्यूटर करता है इसी के माध्यम से करता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, एक पूछा जा रहा हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर वो डिवाइस बताइए जो हार्डवेयर भी है जो करता क्या है? अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। किसको? डाटा को क्या करता है? इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो ये काम कौन करता है कंप्यूटर पे? तो ये काम करने वाली होता है हार्डवेयर प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है ये यही काम करता है। क्या करता है? डाटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, इसके तीन मुख्य भाग पूछे जा रहे हैं कौन कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए क्या है? एएलयू कॉमा कंट्रोल यूनिट और रैम, बी एएलयू कॉमा कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी कैश कॉमा कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है? एलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, जो प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं, एक होता है एलयू, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है हमारा रजिस्टर। ये हमारे प्रोसेसर के मुख्य तीन भाग होते हैं, और जो कंप्यूटर के होते हैं सीपीयू के होते हैं तो वो हमारे एक होता है एमयू, एक होता है सीयू एंड एक होता है एएलयू, वो दूसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सीपीयू और आईओ इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, बी एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी मेमोरी यूनिट, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भी ये सिग्नल को इनपुट आउटपुट के सिग्नल को कंट्रोल करता है सीपीयू के अंदर वो होता है कंट्रोल यूनिट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 24,
फोर कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग करता है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू क्या करता है, ये क्या करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए डेटा डिलीट करता है ये सीपीयू हमारा, बी इनवाइस बनाता है, सी गणना और प्रोसेसिंग करता है, डी इनमें से कोई कुछ नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गणना और प्रोसेसिंग करता है सीपीयू का। अगर आप फुल फॉर्म सुनेंगे तो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ये क्या होती है? प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, जो करती क्या है, इसके तीन भाग होते हैं, गणनाएं भी करती है। तो मतलब करेक्ट आंसर इसका क्या है? तीसरा क्या है? गणनाएं और प्रोसेसिंग कौन करता है? ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, मतलब कौन सा कार्य जो है कंप्यूटर का नहीं है? ऑप्शन ए डाटा को प्रोसेस करना, ये तो कंप्यूटर ही करता है। बी टेक्स्ट को स्कैन करना, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कंप्यूटर का काम नहीं होता, ये एक इनपुट डिवाइस जो हमारा स्कैनर होता है उसका काम होता है। लेकिन डाटा को प्रोसेस करना ये कंप्यूटर का काम होता है, और इनपुट को स्वीकार करना ये भी कंप्यूटर का काम होता है, डाटा को स्टोर करना सेव करना ये भी कंप्यूटर का काम होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी टेक्स्ट को स्कैन करना। क्वेश्चन नंबर 26, परिचालन संपन्न करता है, परिचालन संपन्न करता है, कौन संपन्न करता है भाई? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए एल्गोरिथम, बी अर्थमेटिक, सी ASCII, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अर्थमैटिक। ये क्या करता है? परिचालन जो करता है, संपन्न करता है, ये करता है हमारा अर्थमैटिक। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, बताया जा रहा अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है तो किसमें होती है? इसका पहला ऑप्शन बताया गया मदरबोर्ड, बी मेमोरी, सी सीपीयू, डी रैम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो भी हमारी प्रोसेसिंग होती है किसके माध्यम से होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा सीपीयू होता है इसी के माध्यम से प्रोसेसिंग की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अब पूछा क्या जा रहा है? कंप्यूटर निम्न जो कार्य बताए जा रहे हैं इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो देखिए ऑप्शन ए क्या है? प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इंप्यूटिंग, डी आउटपुटिंग। तो ये क्या नहीं करता? ये नहीं करता ऑप्शन बी, क्या? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 29, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? जो प्रमुख मेमोरी होती हमारी वो किसके समन्वय से कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इंटेल, बी विशेष कार्य कार्ड, सी रैम, डी सीपीयू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सीपीयू, ऑप्शन डी क्या है? सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन ए क्या दिया गया? सॉफ्टवेयर कहा जाता है, बी माइक्रोचिप कहा जाता है, सी आउटपुट कहा जाता है, डी ये सभी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसे कहा जाता है माइक्रो चिप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, क्या होता है? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए मेमोरी, बी डाटा, सी आउटपुट, डी इनपुट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करके हमें जो रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट होता है, क्या होता है? आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 32, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके माध्यम से इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है? ऑप्शन ए मेमोरी द्वारा, बी सीपीयू द्वारा, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, डी पेरिफेरल्स द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है वो हमारा करता है सीपीयू, क्योंकि इसे सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है? हमारा सीपीयू ही होता है। और जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती है वो हमारी कहाँ से कनेक्ट होती हैं?
सीपीयू से ही कनेक्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं प्रोसेस्ड डेटा। जो प्रोसेसिंग का डेटा होता है, प्रोसेस करने के बाद जो डेटा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम? ऑप्शन ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट, डी सभी। तो इसको कहते क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। अब जैसे हमारा कोई डेटा होता है, जब हम उस पर काम कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक आउटपुट डेटा हमारा बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन ए आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 34, सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी यूनिट, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं? सीपीयू के मुख्य घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्या क्षमता है? ऑप्शन ए निम्न, बी उच्च, सी सीमित, डी असीमित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है सीमित। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? दी जाती है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए मानव, बी कृत्रिम, सी शुद्ध, डी अन्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्या होती है? इसका आंसर क्या है? कृत्रिम। जो संज्ञा दी जाती है बुद्धि की संज्ञा, ये कहलाती है हमारी कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वो कंप्यूटर की तुलना में होती है क्या? ऑप्शन ए सामान्य होती है, बी उच्च होती है, सी निम्न होती है, डी औसत होती है। क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्या होती है? सामान्य होती है। क्वेश्चन नंबर 38, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? पूछा क्या जा रहा है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी मानव मन, सी दोनों में बराबर है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मानव मन। देखिए गति जो होती है, कंप्यूटर तो एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, लेकिन बनाने वाला कौन है? मानव का माइंड ही तो है, किसी ने दिमाग लगाया और कंप्यूटर का ही निर्माण कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मानव मन। क्वेश्चन नंबर 39, ईपीडी क्या है? ईपीडी क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यह आपको ध्यान रखना है, क्या होता है ईपीडी का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी एकत्रित डेटा को, डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो सूचना कहलाती वो एकत्रित जो डेटा होता है उसे हम सूचना कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एकत्रित डेटा को। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चिन्ह को, बी संख्या को, सी दी गई सूचनाओं को, डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये जो हमारा कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। हम चिन्ह के माध्यम से तो इंटरेक्शन देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 42, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए मेमोरी, बी स्टोरेज, सी सीपीयू, डी इनपुट आउटपुट यूनिट। किसके माध्यम से भाई इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके माध्यम से किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीपीयू ही करता है इनपुट का आउटपुट पे रूपांतरण, क्योंकि ये क्या करता है? इनपुट को लेता और प्रोसेस करता, उसको आउटपुट में बदल देता। कौन करता है ये काम? सीपीयू करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो जाने वाला डेटा होता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्गोरिथम, बी इनपुट, सी आउटपुट, डी कैलकुलेशन।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट। क्या कहते हैं, इनपुट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इनपुट। क्वेश्चन नंबर 44, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए गणना कार्य करना, बी डेटा का संग्रह, सी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, डी इनमें से कोई नहीं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो इसका डेटा प्रोसेसिंग का कार्य हो अर्थ होता है ये कुछ दूसरा होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 45, एटीएम क्या है। एटीएम क्या है, ऑप्शन ए बिना स्टॉप के नकदी देने वाला, बी बैंक के स्टॉप मुक्त काउंटर, सी बैंकों की शाखाएं हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम जो होता है ये क्या है, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये क्या होता है, बिना स्टॉप के नकदी देने वाला, नगद पैसा देने वाला हमारा एटीएम मशीन होता है। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, क्या परिवर्तित किए जाते हैं, ऑप्शन ए इनपुट, बी डेटा, सी नंबर, डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जब हम किसी डेटा को देते हैं तो उसी को तो हम इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है डेटा। 7, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ऑप्शन ए क्या है, कंप्यूटर, बी कैश, सी प्रोसेसर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रोसेसर, क्योंकि जो काम करता है ये हमारा कन्वर्ट करने का जो भी काम करता है ये सारा काम प्रोसेसर ही करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है, ऑप्शन ए कैलकुलेटर, बी डिफरेंस इंजन, सी अबेकस और डी घड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अबेकस। ये क्या है, प्रथम गणना करने वाला यंत्र जो माना गया है वो है अबेकस, और अबेकस के आविष्कारक है टिम क्रैनमर। क्वेश्चन नंबर 49, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। जो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर था ये किस लिए बनाया गया था, ऑप्शन ए बैंक के लिए, बी शेयर बाजार शेयर मार्केट के लिए, सी खेल के लिए या डी पुस्तक प्रकाशन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये बनाया गया था खेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, ऑप्शन ए जॉन माउकली, बी ब्लेस पास्कल, सी हार्वर्ड आइकन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लेस पास्कल। ये हमारे थे टॉप 50 क्वेश्चंस, और इसके बाद हम और बहुत सारे आपको क्वेश्चंस देने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके और वो भी अच्छे से एग्जाम दे पाएं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको इसे सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में हमें इसका आउटपुट जरूर बताइए। तो क्वेश्चन है आपका, आपका क्वेश्चन है मेमोरी कितने प्रकार की होती है। आपका ये क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है एंड इसका कमेंट बॉक्स में आउटपुट जरूर देना। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 2, बी 3, डी 4, डी 8। इसका आप कमेंट बॉक्स में आउटपुट जरूर दें और ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करें कि कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का हमारा यही टॉपिक है, फिर मिलते हैं कोई अगले नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये हमारी नोट्स
डाउनलोड करनी है पीडीएफ, आपको डाउनलोड करनी है क्वेश्चन आंसर की, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके जरूर डाउनलोड कर लें। अगर आपको कोडिंग के बारे में सीखना है या कंप्यूटर पे कोरल ड्रा के बारे में सीखना है, टेलीप्राइम के बारे में सीखना है, तो हमने सभी के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप हमारे चैनल पे विजिट करके जरूर उन सारे वीडियोस को आप देखिए, जिससे आपको कंप्यूटर चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ें बता रखी है। अगर आपको हमारे वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करिए। आज का हमारा यही टॉपिक है, फिर मिलते कोई अगले नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।